हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बिहार की सियासत का रुख करते हैं। देखिए, बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव है और बीजेपी ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। कल बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और चर्चा है कि सीट बंटवारे पर भी बैठक में चर्चा हुई है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। माना जा रहा है नीतीश कुमार के साथ हुई इस अहम बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। बैठक में डिप्टी सीएम सुशील के अलावा बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। हालांकि जेपी नड्डा से सीट बंटवारे पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत अच्छी बैठक रही, हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं और आज भी मैं मिला हूं उनसे। सीट बंटवारे को लेकर कुछ बात हुई सर? सीट बंटवारे को लेकर कुछ बात हुई सर? दूर दूर सर, दूर दूर। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए के घटक दलों में से सबसे ज्यादा 157 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। घटक दलों में से एक चिराग पासवान की एलजेपी 42 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे 2 सीटों पर सफलता मिली। जीतन मांझी की पार्टी हम 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एक सीट पर जीती थी। पिछले चुनावों में महागठबंधन का हिस्सा रही नीतीश की जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जा चुके हैं। ऐसे में एलजेपी को लग रहा है कि उसकी सीटें कट सकती हैं, इसलिए उसने पहले से ही दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। चिराग पासवान तो बिहार की 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का भी फैसला कर चुके हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि चिराग को पता है कि अकेले वो भी कुछ नहीं कर सकते और बीजेपी को भी पता है कि एलजेपी का जाना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए उम्मीद इस बात की है कि सीटों को लेकर बात बन जाएगी। अब क्योंकि बिहार में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी किसानों के वोट के लिए हर संभव कोशिश में लगी है। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुजफ्फरपुर में किसान चाची से मुलाकात के बाद किसान संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के आनंदपुर गांव की हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पद्मश्री राजकुमारी देवी से मुलाकात की। राजकुमारी देवी पूरे बिहार में किसान चाची के नाम से मशहूर है, जो अचार बनाने का काम करती है। देखिए, मोदी जी की कल्पना, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किसान चाची को वहां बुलाया था, उनका कोई बिहार से संबंध नहीं। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां किसान चाची को सम्मानित किया पद्मश्री से, आज मैं जब मुजफ्फरपुर आया उनसे मिला, मैंने कहा कि मैं बड़ा प्रेरणा लेके जा रहा हूँ। 90 के दशक में चाची ने समाज के विरोध के बावजूद खेती किसानी का काम शुरू किया। 2002 में स्वयं सहायता समूह बनाकर अचार का काम शुरू किया और आज घर घर अचार पहुंचा रही है। राजकुमारी देवी को 2007 में बिहार सरकार ने किसान श्री सम्मान से नवाजा। 2019 में भारत सरकार ने राजकुमारी देवी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। किसान चाची से मुलाकात के बाद बारी थी किसानों से संवाद की। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा महिला किसान जो हैं उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, किसान चाची से। साथ ही साथ जो और किसान हैं, तकरीबन 50 किसानों से बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। फिलहाल अगर आप मंच पर देखें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इस वक्त बात कर रहे हैं और ठीक मंच पर बैठे हुए हैं जेपी नड्डा, उनके साथ तमाम जो बिहार के बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद। किसानों से संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जेपी नड्डा ने किसानों के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज है। इस 20 लाख करोड़ रुपए में 1 लाख रुपए करोड़ रुपए खर्च होना है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब मैं स्वीट सिटी मुजफ्फरपुर में आया हूं, यह स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी लीची दुनिया में स्थान रखती है। संवाद के अंत में जेपी नड्डा ने किसानों को बिहार के विकास में योगदान देने की बात कही कि अगर बिहार देश के नेतृत्व में अपना योगदान कर सकता है तो बिहार के नेतृत्व में क्यों योगदान नहीं कर सकता, बिहार को बढ़ा सकता है। ये ताकत आप में है, आप बढ़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।